हाय बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। सम करवाना है मेरे को, इसीलिए वीडियो पे आए हो। लेकिन पहले खुद ट्राई किया। अरे यार, मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस में बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ो पहले, नोटबुक पेन लेके बैठो, वो जो आप पढ़ रहे हो उसका एक काल्पनिक ड्राइंग बनाओ। ड्राइंग से पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है, फिनोमिनन क्या है, और फॉर्मूला कुछ ना कुछ याद आएगा। वो फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू डालो, फिर भी आपका मामला अटकता है तो वीडियो पे आओ, या क्वेश्चन पढ़ते वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पे आओ। सीधा वीडियो पे नहीं आते हैं, आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ाई खुद करना होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं करवाता हूँ, आ गए हो तो देख लो। हाँ, वॉट इज द प्रेशर इन साइड द ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर एट रूम टेम्परेचर। ये रहा देख, मर्क्यूरी का बबल, मर्क्यूरी ड्रॉप, इसके अंदर ऐसा लिक्विड होता है पूरा, मर्क्यूरी भरा हुआ होता है। अंदर का प्रेशर क्या होता है, इधर पी आई, बाहर का प्रेशर क्या होता है, पी ओ। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रेशर इन साइड, मतलब अंदर का प्रेशर क्या है, ये पूछ रहा है पी आई। तो टाइटल लगा दे, प्रेशर इन साइड ड्रॉप मीन्स पी आई, हमको यहाँ पे पी आई ढूंढना है, पी आई वी नीड टू डिटरमिन हियर। ओके, कोई बात नहीं, आगे पढ़ो, ढूंढ लेते, फॉर्मूले पता ही अपने को। सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एट दैट टेम्परेचर इज दिस, दिया हुआ है। सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एट दैट टेम्परेचर इज 4.65 इंटू 10^-1 न्यूटन पर मीटर। द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो गिवन, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 10^5 पास्कल। इसमें कहाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना, ये जो बाहर से प्रेशर है वो कौन लगा रहा है, एटमोस्फियर तो लगा रहा है। यस, ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर इन साइड द ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, रुको रुको रुको, ये एक धांसू चीज है, एक्सेस प्रेशर, रुको भाई। जैसे देखो, ये मेनिस्कस है, हो गया बबल का, ड्रॉप का, अंदर से प्रेशर होता है पी आई, बाहर का प्रेशर होता है पी ओ। मान लो अंदर का प्रेशर है 5, बाहर का प्रेशर है 3, तो अंदर कितना एक्सेस प्रेशर है, कितना ज़्यादा है, तो 2, 5-3, इतना प्रेशर ज़्यादा है अंदर साहब। अब पी 5 को क्या समझते हैं पी आई, 3 को क्या समझते हैं पी ओ, तो हो गया ना एक्सेस प्रेशर। हाँ, तो एक्सेस प्रेशर मतलब इनको पी आई माइनस पी ओ चाहिए, तो आता है फार्मूला पी आई माइनस पी ओ 2S/R। अच्छा, कुछ बहुत बार ऐसा होता है 4S/R के फॉर्मूले भी आते हैं, वो ड्रॉप के लिए नहीं आते, बबल के लिए आते हैं। क्यों, क्योंकि बबल में अंदर भी एयर होता है, बाहर भी एयर, मतलब दो फ्री सरफेस हो गए, इसलिए वहाँ पे 4 लेते हैं हम। लेकिन ड्रॉप में ऐसा नहीं है, ड्रॉप में सिर्फ बाहर एयर है और अंदर तो लिक्विड है, तो यहाँ पे एक ही फ्री सरफेस है। हाँ, तो ये नहीं आएगा। चलो ठीक है, वैल्यू रखो 2S, S कितना है, ये रहा 4.65 × 10^-1, रेडियस कितना है 3 मिलीमीटर। ये सारा सॉल्व करो, 310 पास्कल आएगा आंसर। अरे अभी गुजराती मीडियम वालों का शूट किया ना, तो आंसर याद रह गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट पोर्शन। देखो पी आई चाहिए अपने को, तो नो प्रॉब्लम ना, पी ओ को उधर डाल दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ओ प्लस 2S/R। पी ओ क्या है भैया, ये रहा एटमोस्फेरिक प्रेशर 1.01 10^5, 2S/R, नो नीड टू डिटरमिन अगेन, ये वैल्यू मिल गया है 2S/R को, है ना, सॉल्व किया है अपन ने, ये रहा 310 डायरेक्ट, है कि नहीं, लगा दे 310। अब सॉल्व करो यार, खुद मामला खत्म करो, आंसर आएगा पास्कल। ओके, स्क्रीनशॉट चाहिए ले ले। हाँ, कुछ इतना धांसू था नहीं, सिर्फ ये शब्दों की मारामारी थी, बच्चे को समझ में आना चाहिए कि एक्सेस प्रेशर किसको बोलते हैं और अंदर का प्रेशर किसको बोलते हैं, बस इतनी छोटी सी समझ थी इसमें। आई होप आपको मजा आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, बाय।